गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे को नए व्लॉग में। फ्रेंड, शाम का टाइम हो रहा है, मैं और आप सभी के लिए लाई हूँ नया व्लॉग। तो चलिए फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि आज मैं अपने व्लॉग में क्या करूंगी। कुछ नया करने वाली हूँ जो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा और ना ही मैंने फ्रेंड बताया होगा आप सभी को। तो फ्रेंड, हमारे जो ना घर में था एक कट्ठे का पेड़। एक साल पहले हमारा कट्ठे का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था वो मतलब जब छोटा सा था तो भैया ने लगा दिया था। तो वो उसको हमने सिंचाई करी, पानी दिया, तो उसकी हमने बहुत अच्छे से देख रेख करी, तो वो बहुत बड़ा पेड़ हो गया। और आज फ्रेंड हमने उस पेड़ का डीएंड कर दिया और देखो उस पेड़ में से हमने क्या बनवा के लाया। तो मैं फ्रेंड आप सभी को दिखा देती हूँ। देखो ये है वो कट्ठे का पेड़ जिसमें से आज मैं और मेरे पापा मिल के गए हैं मशीन वाले के यहाँ पर, और वहाँ पर जाके हमने तख्ते बनवाए हैं। ये देखो फ्रेंड, ये तख्ते कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 तख्ते हैं, और बहुत सारी लकड़ी भी निकल गई रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए। तो वो सारी लकड़ी छत पे सूख रही है। और ये जो फ्रेंड तख्ते हैं इनमें लग गया दीमक, क्योंकि जब हम गए थे ना मशीन वाले के यहाँ पर, तो जब वो ये तख्ते चीर रहा था तो चीरते चीरते फ्रेंड इसमें ने एकदम से बहुत सारे दीमक के गुच्छे निकल गए। तो फिर मैंने पूछा अंकल से कि अंकल ये दीमक कैसे दूर होगा। तो फ्रेंड हमें मशीन वाले अंकल ने बताया कि ये जो दीमक है, ये दीमक हटेगा डीजल से। तो चलिए फ्रेंड आप सभी को बताऊंगी कि ये दीमक दूर कैसे होएगा और मैं इसको कैसे करूंगी। तो फ्रेंड कुछ पापा ने कुछ लकड़ी तो कर दी थी, देखो ये रही, मैं दिखा देती हूँ आपको। और देखो ये रही, इनमें तो पापा ने डीजल लगा कर ये धूप में सुखा दी थी। देखो फ्रेंड महक भी आ रही है इनमें से, और साथ में साथ लगाते भी रहे इनमें, और दीमक भी इनका उड़ता रहा है, और अब इनमें महक भी ना रही है। अब जो है ये बढ़िया है। और फ्रेंड हम इनमें पता है क्या क्या बनवाएंगे, आप सभी को बताऊंगी मैं क्या क्या बनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं फ्रेंड इन सारे तख्तों का दीमक दूर कर देती हूँ। तो दीमक दूर करने के लिए मैं आप सभी को बहुत बढ़िया नुस्खा बताऊंगी। देखो दिखा देती हूँ, देखो ये हो रहा डीजल। सबके घर में तो मिट्टी का तेल भी लग रहा है, लेकिन हमारे घर में मिला है डीजल ही हो रहा। और इस डीजल को देखो फ्रेंड मैं करूंगी इंजेक्शन से इस्तेमाल, इससे करूंगा। जिस किसी को भी इंजेक्शन लगवाना है मुझे बता दो, ठोक दूंगी एक आधे के पिछवाड़े पे। तो चलो फ्रेंड फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ। मैं तो सो गई थी, सो के अब भी उठती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को एक बढ़िया नुस्खा बता दूं। और फ्रेंड इसमें पापा ने डाल रखा है, बड़े भारी भारी है। ये सरसूद का पेड़ था, इस पेड़ के हमने सरसूद भी बहुत खाए। और अब फ्रेंड ये जो तख्ते हैं ये आएगा हमारे सोने के काम, तख्त बनवाएंगे। कटोरी में कर लू मैं डीजे, हरा हरा निकल रहा है। तो इसकी सुई हटा दू, नहीं डाल लो, मैं डाल के देखती हूँ पहले। फ्रेंड इंजेक्शन लगवा लो, जिस जिसको बीमारी हो मुझे बता दो, कुछ भी हो। ये तो बड़ा टाइट खींच रहा भाई, धाग धाग आ रहे। देखो फ्रेंड भर तो दिया मैंने, अब मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ इसमें दीमक लग रही है और कहाँ पापा करके गए। तो देखो ये जिनमें सुराख से हो रहे हैं ना, इनके अंदर डालना मुझे, इनके अंदर निकले दीमक गुच्छे के गुच्छे। और जिस किसी के घर में गेटों में दीमक लग जा, खाट में लग जा, खटोले में, किताबों में लग जा, वह उसके लिए बहुत बढ़िया नुस्खा है। एक बार हमारे लग भी गया था दीमक किताबों में, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, तो बस हमने क्या काम करा, सारी किताब ऐसे झाड़ के रख दी। लेकिन हमें मशीन वाले अंकल ने बताया, तो जब जाके ये नुस्खा ट्राई कर रही हूँ मैं। देखो इंसानों का भी सुई लगाया, जानवरों का भी लगाया, यहाँ तख्ते के भी मैंने सुई ठोक दी। फ्रेंड सुई निकाल दू बेचारे में, क्यों मैं आज सुई निकाल लू इसके, इंजेक्शन भी मुंह तो पहले निकाल देती इसकी उससे। निकल गई, देख लो फ्रेंड इतनी जान लगाने के बाद अब निकल गई। लाओ लाओ जल्दी से अपना अपना पिछवाड़ा करो, एक का इंजेक्शन ठुकवाओ और राखी से अपने ट्रीटमेंट करवाओ। देखो इसका तो ट्रीटमेंट मैंने कर दिया, अब इसे उठा के धर देता हूँ। इंगे तो इंदे तो धर दो इंदे। ओ दो तख्ते ये रखे, देखो दोस्तों दो तख्ते पापा ने पहले से करके रखा, ये रहे तीसरा मैंने कर दिया। अब देखिए पापा तो पूरी दुखारी लग रहे, मैं 10 मिनट में सारे तख्ते कर दूंगी। अब देखो तुम्हें दीमक झाड़ के दिखा तू कितने सारे निकलेंगे। देखो
यो तख्ते टूट ना जावे। निकले चल जा सिम सिम। देखो फंडा ये झड़ रहे। ओबे देखो ये रे कितने सारे निकले। ये हमें सफेद सफेद से देखो ये रे। और जब ये कट है ना बहुत बुरे तरीके से कट है। फिर जो ना इनके तो सुई लग रही है, फिर इनमें भी सुई लगानी पड़ेगी। देखिए कैसे निकल रही है रे, गिंडार सी निकल रही। ऐसे गिंडार निकल रही हो सफेद वाली नहीं लगती। निकल जाए बातते रही हो कहीं को कोई सा कौन है छुट रहा। कभी मेरी आंख कमजोर हो रही, तुम्हारी आंख तो तेज है। तुम बता दियो मुझे बड़ा बुरा भूल। ये तो बहुत टाइट खींच रहा इंजेक्शन में। देखो फ्रेंड एक छेद दियो रहा, इसमें भर दूंगी। देखो ये डीमा की सा मारू। मर जा मर गया। और जो वहां पर ये तख्ते निकल रहे हैं ना, जब ये चिर रहे थे, मैं तो इन दीमक को देख के फ्रेंड डर भी गई कि इतने सारे दीमक कैसे निकल गए, कैसे इन्हें दूर करूंगी। वो तो सी है उन अंकल का भला, उन्होंने बताया मुझे कि डीजल डालियो और डीजल से सारे दीमक मर जाएंगे, सारे दूर हो जाएंगे एकदम से। सरसों का पेड़ भी देख लो हमारा किस काम आया है। पहले तो फल खाए, अब इसके साथ में इनके खटोला बनवाओ, खाट बनवाओ। चलो इसमें भी डाल एक बार चेक कर लेती हूँ कहाँ कहाँ पर है या कहाँ कहाँ पर नहीं। चार पत्ते टन 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 चलती है क्या 9 से 12। नहीं मैं तो देखो अब इसमें भी निकली गली गली ए जा बजरंग बली। ये निकला गिंडार, निकल रही गिंदार गिंदार। देखो फ्रेंड ये तो छेद हो रहे हैं इनमें से निकले। देखो अब देखो कैसे निकलेंगे। निकल गए सारे निकल गए। अब जल्दी से इनमें मैं भी इंजेक्शन भर दूं इनमें। हाय हाय इतना ऐसा इंजेक्शन भरा है ना तो ये तो बम ब्लास्ट कर दिया सिंधा। मार दिया मैंने सारे डीमक, खात्मा कर दिया इनका। अब आके दिखावेंगे हमारे घर में इनकी खिचड़ी से पका कर रख रखी। डीमक की खिचड़ी खाओ। एक दिन में बन जाएगी पक्की वाले डॉक्टर ने बताइए जरूर। जिस किसी के घर में दीमक लग रहा हो ना, गिट्टों में, खाट में, पलंग में, अरे ऐसे तख्तों में, तो मुझे बता दियो, मैं अपना इंजेक्शन लेके हड्डी जल्ले का आ जाऊंगी और सबके घर का दीमक भगा दूंगी। अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। यानी मिट्टी का तेल भी डाल देते। बड़े भारी भारी तख्ते हैं ये तो। देखियो ये डीमक कितना सारा निकला। देखो फ्रेंड ये कितना सारा डीमक निकला। अगर हम इसको नहीं निकालते ना तो सारे तख्ते खराब हो जाते। देखो ये कितना सारा। हम निकल ले गुच्छे भी गुच्छे। पहले रुक जाओ मैं लगा दू झाड़ू। झाड़ू खा दे कभी ये मेरे पे चिपक जाए। मगर चक्कर दूर करने की दवाई है मेरे पे। मैं भी हार नहीं मानने की इन्हें दिमाग को भाव भी हो चलूंगी। रास्ता निकलते रहेंगे। चलो फिर इस तख्ते की ठुकाई। देखो फ्रेंड फिर निकाल लेगा। अब की लास्ट बार मारूंगी, फिर से मात लगाऊंगी इंजेक्शन। एक ऐसा ना करो कभी तख्ते के तोड़ हो जाऊं मैं। अब पापा ने कहा भाई दीमक निकाली तख्ते तोड़ रही।
फीस मेरी बहुत तगड़ी है, फीस है मेरी एक आइसक्रीम। हाँ बोलिए। अरे ये तो हमारा ताऊ टिल्ली है, कहाँ गए थे ताऊ टिल्ली तो? है भाई रू रू चुलबुली आ गई। देख लो फ्रेंड कितनी मेहनत कर ली मैंने आज, दबा के लाइक कर दियो बस, काके मैं मुझे सपोर्ट कर दिया। ओ भाई मुझे तो उन किया हुआ है, हमारे भैया एक वे बोल रहा काके मैं फ्रेंड रुक जाओ एक कोना बच रहा, एक का कोना देखना आना मुझे, देखो ये कोना रहेगा, इस कोने को नहीं छोड़ दे, अब कोना छोड़ दे तो ये फिर अपना घर बना लेगा। ठीक है कैसे निकल ले क्या बजरंग वाले के तौर पर दुकानों में जल्दी। जिस किसी को भी दीमक हटाना है कृपया करके वो राखी से संपर्क करे, नए नए नुस्खे बताएगा दीमक की। ठंडा अब ये लास्ट का बच रहा है, इसमें इसमें देखती हूँ कितने निकलेंगे। इसमें तो चलो कम ही है, एक दो ही निकल ले, इसमें ज्यादा ज्यादा निकल लेते हैं, वो सब मैंने कर दिए हैं कामयाब, अब बस में एक लाख का बच रहा है। फ्रेंड एक बात तो है, मशीन वाले अंकल का भला हो, अगर वे ना बताते ना तो पता मैं क्या करती, इन तक तो ना निकलते ना दीवार, हाड़ फोड़ के मैं तो चूल्हे में जला देती ना सारों को। सही है उन अंकल ने बता दिया। देख लो फ्रेंड मैंने एक को कोना भर दिया डीजल से, अब जब ये निकल जाएंगे ना सारे, जब बनवाऊंगी एक तखत बढ़िया डिजाइन वाला, देख लेते हो कहीं से छूटता ना। जेठ की दोपहर में पैर जले हैं, पैर जले हैं। फ्रेंड देख लो सारे टक्से कर दिए हैं मैंने कामयाब, सब में भर दिया है मैंने डीजल, अब वो बाहर से अधिकतर को नहाने के अब सीधे जावेंगे तो नाली में जाएंगे। अब इसको भी लगा देती हूँ जाकर लाइन में, और देख लो कितना यो पूरा जो डिब्बा ना डीजल से भर रहा था, सारा का सारा खत्म हो गया। और फ्रेंड आइसक्रीम वाला आ रहा है, मैंने क्या कही थी मेरा काम खत्म होएगा, मम्मी से लेंगी 10 रुपए सीधी रंग की आइसक्रीम लेने, लेकिन उससे पहले फ्रेंड देख लो मुझे ये सारा सामान समेटना है, डीजल जो बचा है इसे भर देती हूँ डिब्बे में वापस। अगर तुम्हारे घर में दीमक लग रहे हो तो मुझसे ले लो डीजल, बच गया है ये मेरे पास। देखो फ्रेंड कितना बढ़िया काम कर रहा है मैंने, अब एक काम करूं मैं कुछ झाड़ू लगा दूं, नहीं तो ये दो चार दिन मत फिर रहे, ये कभी इन गेट में को बैठ जावे और गेट में खड़ा खड़ा हो जाए। फ्रेंड रुक जाओ बस मैं यहाँ पे दबा रही थी झाड़ू से, हाँ यहाँ जब दीमक फैल गया था। अरे भैया कहाँ देख रहा है, अरे फ्रेंड तुम्हें भी सुनाई आ रही है क्या, कुछ देखने वाला आ रहा हमारी गली में कुछ। चलो फ्रेंड सारे दीमक कर दी मैंने धूप में, को वो मर जाएंगे जो भी एक तो दीमक जिंदा है, बाकी है तो खैर मैंने मार ही दिए। तो चलो फ्रेंड फिर बताना आप सभी को मेरा ये नुस्खा कैसा लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए फ्रेंड बाय बाय।